तो दोस्तों, ये अभी पिछले हफ्ते की घटना है। गांव में रात को दो लड़के बाइक से अपने घर की तरफ जा रहे थे और रास्ते में उनको एक लड़की दिखाई दी, यानी कि एक औरत दिखाई दी, और उन्होंने सोचा कि रात के वक्त ये औरत सड़क पे घूम रही है तो हम इसकी फोटो खींच लेते हैं और देखते हैं, या मतलब अपने लोगों को दिखाएंगे कि भाई ये है कौन, रात को घूम रही है। तो इसलिए उन्होंने उसकी फोटो खींच ली। एक बार उन्होंने फोटो खींची तो उन्होंने सोचा कि इसकी ना फोटो ढंग से नहीं आई है, तो हम एक बार दोबारा खींच लेते हैं। जैसे ही वो दोबारा खींचने लगे, वो एकदम गायब हो गई, वो एकदम डर गए। तो दोस्तों, ये कहाँ की घटना है और हुआ था उस रात को उनके साथ, और साथ में हम बात करेंगे कि क्या सच में भूत होते हैं या नहीं होते, और अगर होते हैं तो किस तरह से दिखते हैं, कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं। तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी दुनिया के बारे में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी बज रहे हैं रात के 11, मतलब अभी 10:45 हो रहे हैं, शायद आपको टाइम दिखाई दे रहा हो। तो अभी 10:45 हो रहे हैं, चांद जो है वो दिखाई दे रहा है, मगर धुंधला दिखाई दे रहा है, आधा चांद है और वो अभी धुंधला सा है। तो दोस्तों, ये हमारा छोटा सा बेड़ा है और यहीं पे हम सारे परिवार वाले बैठ जाते हैं रात को खाना खाने के बाद। तो आजकल 2-4 दिनों से हमारी जो चर्चा हो रही है वो हो रही है भूत के ऊपर, कि भाई ये भूत की जो वीडियो और फोटो आई, फोटो जो आई उसी पे बातचीत हो रही है कि भाई भूत होते हैं कि नहीं। तो चलिए वीडियो में आज हम इसी पे बात करते हैं। तो दोस्तों, आपने जब भी सुना होगा भूतों के बारे में तो हमें डर भी लगता है और थोड़ा रोमांच भी होता है, मतलब थोड़ा मजा सा भी आता है कि भाई हम जाने भूतों के बारे में। तो भूतों के बारे में कहा जाता है कि भूत दो तरह के होते हैं। एक तो ऐसे भूत होते हैं जिनका आपने सुना होगा कि किसी के अकस्मात मृत्यु हो जाती है, जैसे कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, उनकी इच्छा अधूरी रह जाती है तो उनकी आत्मा भटकती रहती है। और एक होते हैं जो हानिकारक होते हैं, जो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, जो खतरनाक होती है, कई पिचास बोलते हैं, नुकसान पहुंचाती है, मतलब तो इस तरह का कहते हैं। ऐसे मैंने सुना है कि दो तरह के भूत होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन क्या सच में भूत होते हैं या नहीं होते? तो दोस्तों, भूत होते हैं या नहीं होते इसके बारे में विज्ञान क्या कहता है? तो विज्ञान कहता है कि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि भूत होते हैं, इंसान का केवल भ्रम है। इस धरती पर भूत पिशाच जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ऊर्जा का स्थानांतरण संभव है और शायद यही आत्माएं होती हैं। तो दोस्तों, भूतों के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, अब मैं आपको जो सुनाने वाली हूँ वो एकदम सच्ची घटना है। हमारे मायके की साइड शादी थी और मायके जो मेरा है वो कोटाबाग का, आपको मैंने दिखाया था कई बार वीडियो में। तो वहाँ पे एक शादी थी और वहाँ पे दो लड़के शादी से अपने घर जा रहे थे और वो दोनों बाइक से जा रहे थे और वो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, मतलब जो मेरा मायके है वहाँ कोटाबाग में, वहाँ नजदीक में ही रहते हैं। तो जब वो वापस जा रहे थे तो एक आगे बाइक चला रहा था और एक पीछे बैठा हुआ था। तो रास्ते में उनको सड़क पे दिखाई दिया कि एक जो औरत है वो सामने से चलते हुए आ रही है। तो उन्होंने देखा कि इतनी रात को एक औरत सामने से चलते हुए आ रही है और अकेली है वो भी। तो उन्होंने क्या करा, एक जो पीछे बैठा था उसने अपने फोन निकाला और फोन से उसकी फोटो खींच ली। तो वो फोटो इतनी साफ नहीं आई, उसने दोबारा फोटो खींचनी चाहिए और जैसे ही उसने दोबारा फोटो खींचने के लिए कैमरा करा, वैसी वो एकदम उड़ गई। तो दोस्तों, ये देखने के बाद उनके होश उड़ गए, उनको समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ भाई। वो लड़की जो अभी तक खड़ी थी वो एकदम से भूत बन के उड़ गई, तो उनकी हालत ख़राब हो गई। उनको समझ नहीं आया कि अब हम क्या करें, वापस शादी में जाएं या अपने घर की तरफ जाएं। तो दोस्तों, उन्होंने ना तो सोशल मीडिया के लिए ऐसा कहा और ना उन्होंने रील बनाने के लिए ऐसा कहा, उन्होंने कहा कि ये एकदम सच्ची घटना है और हमने अपने फ़ोन से ये फ़ोटो खींची है। तो दोस्तों, चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ वो फ़ोटो जो उन लड़कों ने खींची थी। तो अब ये दूसरी फोटो है जिसमें वो लड़की भूत बन के एकदम उड़ गई। तो ये अब नकली है, असली है, ये आप बताओगे कि ये क्या सचमुच में भूत होते हैं? और होते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताना कि किसी ने भूत देखे या नहीं देखे। तो कमेंट्स करके जरूर बताना दोस्तों कि भूत क्या सचमुच होते हैं, क्योंकि मैंने तो आज तक नहीं देखे। तो ये भी वो फोटो है कि उन्होंने हमें भेजी, तो मैं उसी पे ही मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना दी जाए। तो दोस्तों, आपने भानगढ़ के किले के बारे में भी सुना होगा कि जो राजस्थान में है भानगढ़ का किला, और वहाँ पे कहते हैं कि जैसे ही शाम होने लग जाती है तो वहाँ भूत आ जाते हैं, इसलिए लोग वहाँ रात को रुकते ही नहीं है। भानगढ़ का किला देखने जरूर जाते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होने लग जाती वैसे ही फटाफट कहते हैं कि वापस आ जाना चाहिए, वरना वो भी भूत बन जाता है। तो कईयों ने वहाँ पे भूत देखा है, और सच में भूत होता है या नहीं होता, लेकिन उसको मतलब भूतों का ही गढ़ कहा जाता है भानगढ़ के किले को, इसलिए लोग रात जैसे ही शाम होने लगती है वापस अपने घरों में आ जाते हैं। तो दोस्तों, एक घटना और है, और ये जो घटना है ये मेरे साथ घटी थी जब मैं यहीं पे थी, यानी कि दिल्ली में अपने घर पे थी। ये तब की बात है और इसको काफ़ी साल हो चुके होंगे, 9-10 साल हो चुके हैं इस घटना को। तो हमारे पड़ोस में ही दादी रहती थी, तो उनकी डेथ हो गई थी, और उनके डेथ होने के 10-11 दिन की बात होगी, जब उनकी डेथ हुए 10-11 दिन हो चुके थे, उसके बाद की बात है। तो एक दिन रात को मैं 2 या 3 बज रहे होंगे रात को, बाहर कमरे से बाहर आई बाथरूम जाने के लिए,
तो एकदम से मेरी नज़र उनके घर के, क्योंकि उनका घर हमारे घर के नज़दीक है, तो एकदम से मेरी नज़र उनके घर की तरफ गई, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो दादी बैठ के हुक्का पी रही होंगी, क्योंकि वो उनकी आदत थी वो हुक्का पीती थी, तो वो हुक्का पी रही होंगी। एकदम मैं डर गई और मैं डर के एकदम अंदर की तरफ चली गई, मतलब अंदर अपने कमरे में घुस गई। फिर मैंने कहा कि भाई बाथरूम मुझे तेज़ आ रहा है, एक बार दोबारा देखूँ, अगर दादी है तो दादी से डरने की ज़रूरत तो है ही नहीं, क्योंकि दादी हमें जानती है। तो मैं हिम्मत करके थोड़ा डरते डरते दोबारा से बाहर निकली, तो मैंने ध्यान से देखा, और जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि उनके घर के सामने एक डंडा जो है, एक उन्होंने डंडा बांधा हुआ है कपड़े सुखाने के लिए, रस्सी के लिए, तो उस डंडे के पास उनका एक तौलिया रखा हुआ था और वो तौलिया डंडे से टच हो रहा था, तो उस वो टच हो रहा था और हवा चल रही थी, तो हवा से वो हिल रहा था, तो इस तरह से लग रहा था जैसे वो दादी बैठी है और हुक्का पी रही है, क्योंकि वो डंडा जो था वो ऊंचा सा था और डंडे के ऊपर उन्होंने गोल सा कुछ रस्सी टाइप का बांधा हुआ था, जिससे वो ऐसा लग रहा था ऊपर से मोटा सा होगा, तो वो दूर से देखने में ऐसा लग रहा था, अगर आप एकदम से देखो तो ऐसा लगा जैसे वो हुक्का गुड़गुड़ा रही है, उनके हाथ में हुक्का है और वो गुड़गुड़ा रही है। तो जब मैंने ध्यान से देखा तब मैंने पाया कि वो एक तौलिया था वाइट कलर का और वो तौलिया हिल रहा था, वो गलती से भूल गए थे उस तौलिया को उठाना, और वो रात को मतलब इस तरह से लग रहा था जैसे दादी बैठी होगी और वो हुक्का गुड़गुड़ा रही है। तो दोस्तों एक घटना और है, ये है हमारे गाँव की घटना। गाँव में एक बुज़ुर्ग आदमी था, वो कहीं से आ रहा था, तो रास्ते में एक घर पड़ता है और वो घर जो था वो थोड़ा टूटा हुआ सा घर था, तो वहाँ से उनको आवाज़ें आ रही थी, और जब उन्होंने वो आवाज़ें सुनी तो उन्होंने, उनके हाथ में टॉर्च थी, उन्होंने सोचा ये जो घर है ये बरसों से बंद है और इसमें से आवाज़ें आ रही हैं, तो दोस्तों उन्होंने टॉर्च जला के खिड़की से अंदर की तरफ देखा तो उन्हें अंदर कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनको आवाज़ें सुनाई दे रही थी कि जैसे कोई 3-4 लोग मिलकर आपस में बातें कर रहे हों। उन्होंने बड़ी देर तक इधर उधर भी देखा, क्योंकि उनके पास टॉर्च थी तो उन्होंने टॉर्च से अच्छी तरह देखा, लेकिन उनको कोई भी नहीं दिखाई दिया, तो वो एकदम डर गए। फिर ये घटना उन्होंने अगले दिन बताई गांव वालों को कि भाई ऐसे ऐसे मैंने रात को देखा और इस घर में मैंने ऐसे आदमियों को बातें करते हुए सुना। तो भूत होते हैं या नहीं होते आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स करके बताना कैसी लगी। तो धन्यवाद, इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहना।